पढ़ेंगे इकाई का अज्ञात करना। सबसे बड़ी बात है कि संख्या की इकाई का अज्ञात करना आसान होता है, बेहद आसान होता है, ये लगातार रिपीटेड में कई बार पूछा जा चुका है। ये घातांक करणी वर्गमूल के बीच का एक अध्याय है, उससे हम लोग आज पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास छोटा सा करेंगे। कुछ बातों को नोट कर लेते हैं। जैसे यदि किसी भी दिए गए लिख लीजिएगा, यदि किसी भी दिए गए संख्या के इकाई का अंक, किसी भी दिए गए संख्या के यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 किसी भी दिए गए संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या की घातांक चाहे जितनी भी लगा दिया जाए, उस संख्या का घातांक चाहे जितना भी लिख दिया जाए उसके इकाई का अंक सदैव वही प्राप्त होता है। वही प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। जैसे कोई ले लिया डिजिट हमने 370^436 के इकाई अंक क्या होगा? कोई नियम, कोई फॉर्मूला नहीं, यदि इसमें 0 है इसके इकाई अंक 0 आएगा। फिर कोई नंबर लेते हैं 461^74 इसके इकाई अंक क्या आएगा? 1। और सब क्लियर? फिर कोई नंबर लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 535^164 इसके इकाई अंक 246^347 इसके इकाई अंक। मानिए यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, उसका वर्ग चाहे जितना भी कर दिया जाए या उसकी घातांक चाहे जितनी भी लिख दी जाए, उसके इकाई का अंक सदैव वही प्राप्त होगा। कोई दिक्कत यहां से समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट आप लोग को? 0, 1, 5, 6 का वर्ग या घातांक चाहे जितनी भी कर दे, उसके इकाई अंक सदैव वही प्राप्त। अगर इसके अलावा रहा तब क्या होगा? अगर इसके अलावा कोई घातांक मिल गई या इकाई अंक मिल गया तब क्या होगा? तो आप लिखना चाहेंगे लिख लीजिएगा, सुनना चाहिएगा सुन लीजिएगा, लिखना चाहते लिख लीजिएगा, शायद कभी काम आ जाए। किसी भी दिए गए संख्या के घातांक में सर्वप्रथम 4 से भाग देंगे। प्राप्त शेषफल को दिए गए संख्या के इकाई के अंक की घातांक लिखेंगे और प्राप्त परिणाम का इकाई अंक ही उत्तर होगा। किंतु शेषफल जीरो प्राप्त होने पर दिए गए संख्या की
दिए गए संख्या की घातांक चार लिखते हैं, दिए गए संख्या की इकाई की घातांक, दिए गए संख्या की इकाई की घातांक चार लिखते हैं, चार लिखते हैं, और प्राप्त परिणाम का इकाई का अंक ही उत्तर होगा। प्राप्त परिणाम का इकाई का अंक ही उत्तर होगा। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं, लिखने ज्यादा समझने समझेंगे तब समझ में आएगा। कोई नंबर बोला जाए, जैसे हमने लिख लिया 372 के पावर 68 का इकाई का अंक क्या होगा, 372 घाते 70 कर दिया जाए, 372 घाते 70। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा है कि दिए गए घातांक में चार से आप भाग देंगे, प्राप्त शेषफल, शेषफल कितना प्राप्त होगा, दो, भागफल नहीं शेषफल, जैसे ही ना 70 में अगर हम चार से भाग देंगे शेषफल कितना जो शेषफल प्राप्त होगा, भाग करके देखिएगा, दिए गए घातांक में चार से भाग देंगे प्राप्त शेषफल, इकाई की घात लगाएंगे, इकाई क्या है, दो की घात दो करेंगे कितना आएगा, तो इसके जो इकाई का अंक है कितना होगा, चार होगा। समझ में आया, जैसे फिर कोई नंबर लेते हैं 374 के पावर 207, इस दशा में क्या करेंगे, घातांक कितना है, 207 में चार से भाग देंगे, तीन से बचेगा, चार से भाग देंगे तीन, आप भाग देके देख लीजिएगा, चार से अगर आप 207 में डिवाइड करेंगे तो तीन से बचेगा, तो इकाई की घात क्या लिखेंगे, और चार घाते चार करेंगे 64, इकाई का क्या प्राप्त हुआ, उत्तर क्या होगा इसका, चार। नहीं समझ में आया, नहीं यार पूछिए ना, 10 बार पूछिए, 10 बार हम बताएंगे। कोई नंबर बोलिए आप, कोई संख्या बोलिए। चलिए जैसे हमने लिख लिया, हाँ 278 के घाते कितने घातांक लिखा जाए, चलिए 42 लिख लिया हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, घातांक कितनी है, 42 में चार का भाग देंगे, चार से 42 में भाग देंगे, चार एक का चार, दो तन नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा दिए, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल से नहीं शेषफल, जो शेषफल होगा इकाई घात लिखेंगे, इकाई कंक क्या है इसमें, आठ की घात दो लिखेंगे तो आठ अठे इकाई कंक क्या होगा, चार, चार का ही भाग देंगे, चार जितना रहे चार का ही भाग देंगे। समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा, हम भाग से नहीं देते, हमको पता कितना बचेगा शेष पर, हमें बात समझ में आएगी बताना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलिए बताइए तब अगला क्वेश्चन। चार सौ 93 घाते 7569 घात है, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, इसके इकाई का अंक क्या होगा, जो भी हो बताइए, शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा, तो इकाई घात क्या है, तीन की घात एक कर देंगे तीन आ जाएगा, लास्ट के दो अंक में भाग देते, हाँ ये भी चतुराई है, समझ में आया आप लोग को। लेकिन अगर कंडीशन ये हो जाए, इसको मिटा दिया जाए, अब कंडीशन को भी बदला जाए, चार सौ 37 के पावर 96, अब करिए बताइए कितना आएगा, 432 कर लीजिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको, 432
432 है। बस वही मुझे जानना था कि समझ में आया कि नहीं आया, माने तो नहीं है। अब सेल्सफल जीरो है, अब क्या करेंगे, अब 96 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा, सेल्सफल नहीं बचेगा। उस दशम क्या करेंगे, दिए गए घात कितने लिखेंगे तब 4, तो 2×2×2×2 इसका गुणा इसमें इसका गुणा करूँगा 4×4 16 माने इकाई का। समस्या आगे बढ़ा जाए, (678)² हो तो एक आइकन क्या होगा, 678^632 हो तो कितना है, अब जिन्होंने हमारी पहली क्लास ली होगी उनको पता होगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम लगा के। इसको भाग देंगे 4 से, कट जाएगा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे फिर 8 है इसकी पावर क्या लेंगे तब 4। इसकी भी तरीका है 8×8×8× करेंगे गुणा भारी हो जाएगा, फिर करें 8×8 फिर 8×8 फिर 4×4 16×6। आपके ऊपर कितना ट्रिक बना सकते हैं, मैंने आपको कम समय में सॉल्व करना है बस, 8×8 64×8 512 फिर करिए गुणा, तो दो दो टुकड़े मार दीजिए, टुकड़े मार देंगे आसान हो जाएगा, 8×8 64×64 4×16 ठीक। कोई दिक्कत यहां से अभी तक, अब आगे बढ़ा जाए, इससे पूछेंगे वही बताएगा। अब बताइएगा लगाना पड़ेगा, अब बताइए क्या क्या आएगा, अब बताइए कुछ नहीं करना, जद की संख्या के दिए गए संख्या की इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी घातांक चार जितनी लगा दे उसके इकाई का अंक ही संख्या प्राप्त होगी, इसका क्या होगा 6। हमने कहा बीच में चेक कर ले, भुला भुला तो नहीं गए आप लोग, क्या इतना बड़ा जानबूझ दे दिया, लगाइए भाग देते रहिए, अब यहाँ एक मिनट तो कुछ सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत बता देंगे 6 है, इकाई का अंक 6 मिल गया, इसमें कोई एक मिल जाए घातांक चार जितनी लिख दे आपको तुरंत पता हो जाएगा। समझ आया, कर लगा ले, लगाइए मत, ठीक। अब आगे देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, काई काई कंक होगा ऐसे भी प्रश्न आने लगा है, 34×67+5 का इकाई अंक होगा, सेम प्रक्रिया, जो भी हो अब ये लोग बताएं।
समझ में आ रहा है आपको? कितना आएगा इसका? कैसे? पहले इकाई अंक ज्ञात करेंगे। हाँ, इसमें चार से भाग देंगे, कितना से बचेगा? एक की तीन, तीन बचेगा। हाँ, तीन बचेगा तो चार के पावर तीन करेंगे प्लस पाँच, चार का करेंगे कितना हो जाएगा? अब नौ प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है आप लोग को? जहाँ समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछ लीजिएगा, या कथा सुने नहीं आए कि समझ में आए ना आए, खाली प्रसाद लेके घर जाना है, मतलब ये हाँ ये कथा नहीं है। यहाँ से एक प्रश्न आपके आते हैं यूपी टीटी में, सुपर टीटी में, ये नहीं कथा सुने वाचे चल दिए घर, प्रसाद लिए चना मृत मिला, अभी ज़्यादा क्या चाहिए? ये हो गया। एकाएक अंक होगा, छह सौ उनतालीस घाटे सड़सठ गुड़े तीन सौ उनसठ घाटे तिरासी, एकाएक अंक होगा। एकाएक अंक होगा समझ में आ रहा है? राकेश जी नहीं आया क्या? अच्छा कल आए थे? अरे वाह, क्या हुआ? चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है? अब नहीं आया? किसको नहीं आया पूछ सकते हैं, नहीं आया? अच्छा आप देखिए बेहचक पूछिएगा, क्योंकि आप कथा सुने नहीं आए, यहाँ पढ़ने आ पाए, और आप इसलिए नहीं आए कि केवल आपको दो महीने घर वाले बताना है कि मैंने पढ़ा था, आपको रिजल्ट देना है, इसलिए खड़े होकर पूछेंगे जहाँ दिक्कत, क्योंकि आपको जो दिक्कत होगी ऑनलाइन वालों को बेचारे को दिक्कत होगी, जो आपको समझ में नहीं आया तो उनको बेचारे कहाँ समझ में आएगा। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे घातांक में चार से भाग देंगे, तीन से बचेगा, इकाई का घात लिखेंगे तीन, नौ घाते तीन, फिर गुड़े, यहाँ भी करेंगे घातांक में चार से भाग देंगे, फिर इकाई घात लिखते हैं नौ घाते तीन, ये लिखेंगे नौ गुड़े नौ, अभी यहाँ पे लिखवाए थे नौ का क्यूब, याद होगा अगर आपको, कितना था? सात सौ उनतीस गुड़े, फिर इकाई की इकाई अंक लेंगे नन्नोवा, नौ नवा नहीं नन्नोवा इक्यासी, इकाई अंक क्या आएगा? अरे डिजिट बड़ा जानबूझ के लेता कि कैलकुलेशन आप करें, हम लिखते थे पता हो जाता उत्तर क्या आएगा ना, इसलिए थोड़ा सा बना के लिखते हैं, किताब से तो पढ़ाते नहीं छापते नहीं हम लोग, नौना पढ़ने से मतलब क्या, जिस दिन गणित को हाथ लगा दे किताब वो तो कोई भी पढ़ा देगा। ये हो गया। अब एक तरीका और आता है, योग साफ कर दिया जाए, हाँ के इकाई का क्या होगा? इसके लिए क्या करते हैं? केवल इकाई का गुणा करते हैं। देखिए तीन सत्ते इक्कीस ना, देखिए तीन सत्ते बस दो को छोड़ दिए, एक एक सत्ते सात, सात चौके दो को छोड़ दिए आठ नौ, बस लास्ट का इकाई का अंक पकड़ते चलना, बाकी छोड़ते चलना है। ब्रजेश समझ में आ रहा है ना? चलिए ये हो गया। अब जैसे कोई नंबर दे दिया बड़ा सा,
सात छः पाँच तीन चार नौ गुणे छः जीरो चार गुणे तीन छः नौ एक गुणे पाँच चार आठ। जब किसी भी बड़े से गुणा में एक पाँच आ जाए और एक कोई सम संख्या आ जाए उसके बाद चाहे जो रहे उसके इकाई का अंक सदैव जीरो है। गुणा करें तब वो जीरो आएगा, वैसे आपकी इच्छा कितना भी बड़ा क्यों रहे। जैसे ये पांच है और ये कोई इकाई का अंक सम संख्या हो, चाहे यहाँ चार होता छह होता आठ होता कुछ होता तो क्या होता सदैव जीरो होगा। लिख लीजिए समझ में आ जाएगा। उस टाइप के से प्रश्न जो बचे हैं वो हम लोग प्रैक्टिस सेट में एसटी में कराएंगे क्योंकि तब समझ में आएगा कोई नया तरीका नया टाइप, क्योंकि आज इतना सीख लेंगे तभी कल सीख पाएंगे। मेरा चला ये सब दोनों क्या हो जाएगा मिलके फाउल मार जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गणित की इंडिविजुअल क्लासेस शुरू करने वाले हम, हो सकता है तो 30 तारीख से आपके यहाँ शुरू हो जाएगी गणित इंडिविजुअल, और मैराथन क्लास के लिए भी यहाँ से। अगर कोई समस्या आप लोग को हो तो पहले पूछ लीजिएगा तब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या? चलिए तो होमवर्क लिखे मिटा दिया इसको। आज इतनी चीजें पढ़ी आप लोग को याद है ना, बुला तो नहीं गए ना। पहले होमवर्क, आपको एक से लेके 50 तक का वर्ग हर हाल में याद करना है। हाँ 30 तक लिखवा है 50 तक याद करना है। हारनेस पहले हार मान लेंगे, हार पक्की, हारते हुए जरा से भी जीत कास रहेगी तो जीत मुमकिन है। 30 तक तो याद कर डालिए, हम जब याद कर डालें तो आप कहीं नहीं याद कर पाएंगे। जब हम मंद बुद्धि वाला होकर 140 नहीं 68 वो जोड़ा था कोई 68 ठीक। एक से लेके 30 तक का घन अगर आपको वास्तव में गणित में 30 से 25 लाना है तब बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये दो चीजें आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। अगर आप 30 तक नहीं याद कर पाते तो इसे आप 15 तक, इसे आप 30 तक, अगर इतना याद नहीं कर पाएंगे तो आपको गणित वास्तव में कठिन लगेगा पूरे जीवन पर्यंत। टारगेट नंबर है तो याद हाँ ठीक। फिर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम ने लिखवाया हुआ है आप लोग को, अगर वो आप नहीं याद कर पाएंगे तो फिर कोई बचा नहीं सकता आपको। उनको वीडियो मिल जाएगी, जैसे अभी बन रहा है तैसे आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन क्लास भी मिल जाएगा, ऑफलाइन क्लास, नोट्स सब कुछ उपलब्ध है। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा ऑनलाइन क्लास वाले में, अच्छा ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया हो और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेंगे, सर्च करें दुर्गेश सर, इलेनी में दुर्गेश से जुड़े हैं। कभी कभी यूट्यूब पे हम लोग लाइव होते हैं, वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती तो टेलीग्राम से। हाँ तो निकल जाता है, चलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपकी भी, ठीक है। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और ये परीक्षा जो आपकी वास्तव में एक रेस है, अगर आप यहाँ आराम आराम से रुक रुक के चलना चाहेंगे तो नहीं, थ्री डेट नहीं, आपको वास्तविकता जीवन से परिचय करा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ 20 लाख प्रतिभागी भाग करेंगे, 20 लाख लोग आपके साथ परीक्षा में बैठेंगे, और जो सफल होने की संख्या जो भी हो उसके बाद जो अभ्यर्थी बैठेगा जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे वही सेलेक्ट होगा, बाकी लोग क्या करेंगे फिर अगली बार टेट और सीटेट कोचिंग खोजेंगे। मतलब केवल 40,000 20 लाख में से केवल 40,000 अंतिम रूप से चयनित होंगे, बाकी फिर टेट सीटेट की कोचिंग करेंगे और 20 लाख की संख्या फिर बढ़ जाएगी। अगले साल बीएड बीटीसी फिर आएंगे 5 लाख तो 25 लाख हो जाएगी, मतलब संख्या कम होगी 40,000 और जुड़ेगी 4 लाख, तो हर साल ऐड होता चला जाएगा। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि हमारी रफ्तार स्लो हो, क्योंकि आप अगर बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं तो
आपकी और मेरी सबसे बड़ी भूल है। किसी कोने में बैठ के जिसमें आप सोते हैं उस रात में भी कोई ना कोई बालक और बालिका पढ़ता है, आपको उससे आगे जाना है तब आप अपनी पद सीट को बचा पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं आप बहुत पढ़ रहे हैं, आप ज़्यादा पढ़ लिए, तो आपकी हमारी मूर्खता है। लेकिन ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश से 40,000 लोगों का ही चयन होगा। अगर पद संख्या 40,000 है, 40,000 एक का चयन नहीं होगा, केवल केवल अंतिम रूप से 40,000 का ही चयन होगा। और 40,000 सबसे बेस्ट 40,000 जो प्रदेश के होंगे उन्हीं का ही चयन होगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने धीरे धीरे पढ़ा है, आपने तेजी से पढ़ा है, कि आप मीडियम तरह से पढ़ा है, आपने पूरा पढ़ा है, उसे केवल स्कोर कार्ड से मतलब है। आप भी परीक्षा देते हैं, हम भी परीक्षा देते हैं, हम सीटेट की परीक्षा देते हैं, आधे घंटे पौना घंटे पहले बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत लोग देखते हैं जूझते रहते हैं, कॉपी छिन जाते हैं, प्रश्न पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, उनकी आदत नहीं होती। हम भी एक दो बार धोखा खाएं, तब से मुझे भी समझ में आया कि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। खेत में कौन? बैल जो होते हैं, उनका काम क्या है? अगर बैल से रेस कराई जाए और घोड़ों से खेत तो आ जाए, कैसा लगेगा? तो रेस के घोड़े रेस में चले और रेस के घोड़े हैं, और आप लोग को 2 से 4 दिन दिक्कत होगी, उसके बाद आप खुद ब खुद रफ्तार हमारे साथ पकड़ लेंगे। हम ये बहुत बड़ी मेरी कमी है जो मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई है कि जिस समय मैं पढ़ाता हूँ मेरी क्लास में शोर नहीं होता। अगर आपका एक पेन गिर जाता है आप नहीं उठाते, लेक्चर पीछे से क्रॉस हो जाएगा। और जो कोई धीरे धीरे पढ़ाते हैं उन्हीं क्लास में सबसे ज़्यादा शोर होता है। आप तो यहाँ संख्या कम है, हम 400 की बैच पढ़ाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि सर हिला इधर से उधर, क्योंकि सर इधर करेगा तब तक 5 अंक गायब, एक तो खिसक गया पीछे। तो इससे परिणाम बेहतर आता है, क्लास में कभी शोर नहीं होता, घड़ी के टिक टिक की आवाज़ तक सुनाई देती है। अभी तो क्लास भी बढ़ने दीजिए, फिर आप देखिए कैसे हम पढ़ाते हैं। हम 400 स्टूडेंट पढ़ाते हैं, आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे बोलना चाहिए, लेकिन आदत पड़ गई है। 400 स्टूडेंट 500 स्टूडेंट पढ़ाने वाले हम लोग हैं। तो रेस से घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, मुझे पता है आपको रफ्तार थोड़ी तेज लग रही है, क्योंकि आप धीरे धीरे हमारे लय में आ जाएंगे। जिस दिन उस दिन लगेगी कि हाँ ये सही है, उसके बाद आपका कोई पढ़ाएगा लगेगा बहुत धीरे धीरे बोरिंग पढ़ा रहे हैं। अभी लगेगा नहीं, थोड़ा सा ना पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जब होता ना, रम जाते हैं लोग, तो आदत से लग जाती है। हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना, बड़ा लगता है इसे मूर्ख बना रहे हैं, जिसे रुक रुक के हमसे हो ही नहीं पाता। अभी हमने अपने अध्यापक से यही सीखा था कि रेस घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप चाहे जहाँ पढ़िएगा ऐसे टीचर से दूर रहिएगा जो किताबी कीड़ा होते हैं, किताब उठाते हैं इसे, हमने देखा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे लाते हैं किताब और ऐसे छपवाते हैं। अच्छा हाँ, मतलब उसको मोबाइल से ला के देखते हैं। ऐसे टीचरों से आप बचिएगा, क्योंकि ऐसा आप भी पढ़ा सकते हैं। अरे छपवाना ही तो है, हमने देखा है, एक नहीं हजारों टीचर देखा है, ऐसे आते हैं, आए खड़े होंगे, बस वाचना शुरू कर देते हैं। ऐसे टीचरों से अध्यापकों से आप बचने का पूरा पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि जिसको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आपको क्या खाक पढ़ाएगा। जरा सा इधर से उधर घुमा दिए तो पूरा गोल गोल लट्टू हो जाएंगे। और हमने देखा है कि 90% कोचिंग संस्थानों में वो इसी तरह से पढ़ाते हैं। और मुझे एक बात और आश्चर्य लगती है, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मैं आपके जिले में आया हूँ, वाराणसी जिले में, मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि मैं एक अभ्यर्थी हूँ, जब तक मैं चयनित नहीं हुआ अंतिम रूप से तब तक मैं भी क्या हूँ। तो मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं भी कोचिंग की तलाश में आज के कुछ साल पहले निकला, तो मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग लिखते थे, जैसे कोचिंग का नाम कोई भी हो, किसी का नाम नहीं ले सकते हम, लिखते हैं पहले IAS फिर PCS, ठीक, बैंक, रेलवे, SSC, जितनी परीक्षा होती है सबको हम क्या नाम लिखा रहता है, एक बात। दूसरी बात, अगर उनके यहाँ कल्पना करिए लेखपाल की वैकेंसी आ गई तो लेखपाल की स्पेशल बैच, ठीक, IBPS की आ गई, IBPS की स्पेशल बैच, दरोगा ऐसा ही सब चलती है। अच्छा, हद तब हो जाती है जब वो सीटेट डाल देते हैं, सीटेट की स्पेशल बैच, टेट की सीटेट और टेट की स्पेशल बैचेस। अब मुझे ये बताइए कि जो बंदा IAS PCS बैंक रेलवे SSC पढ़ाता था, क्या वो चीजें टेट सीटेट पढ़ा सकता है? आप तो कहेंगे बड़ा स्तर पढ़ाता तो पढ़ा ही लेगा, लेकिन आप जरा कॉमन सेंस के लगाइए, अगर आपको आंख में दिक्कत हो तो क्या हड्डी के बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे आप? लेकिन हम लोग वेल एजुकेटेड होके आप एक अध्यापक होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे संस्था का आप चुनाव नहीं कर पाते और हम नहीं कर पाते। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ऐसा बेवकूफ बनाते, मतलब हम अब सोच भी नहीं पाते कि जो बंदा पढ़ाने आया है क्या इसने कभी टेट सीटेट दिया है, जैसे टेट सीटेट के बारे में सिलेबस पता है? आप हमें क्वेश्चन का टाइप बताइए, हम बताएंगे किस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि हमें पता है ना कि टेट सीटेट प्रश्न कैसे आते हैं, वो तो अपने हिसाब से दवा लिखेगा, क्योंकि उसको तो यही पता है सस्ती रेलवे बैंकिंग वो पढ़ाता रहा है, उसको झोंक देंगे। और हद तो तब हो जाती जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पता चला जो एकेडमी पढ़ाते हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 वही टेट पढ़ाते हैं। मुझे पहले अध्यापक को तलाश हुई कि हम तो यहाँ यहाँ पढ़ाते हैं,
तो मुझे लगा कि यहाँ पे जितने टीचर हैं सब शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए, सब शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हैं, शायद आपको पता होगा, यहाँ जितने लोग हैं सब 69,000 भर्ती में पूरी तरह से सम्मिलित हैं, क्योंकि उन्होंने दिया, उन्हें पता है कैसे होता है। बाकी ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जो ट्रेनिंग टीचर ना हो, चाहे यहाँ की बात करें चाहे जौनपुर ब्रांच की, जितनी भी ब्रांचेज मेरी है सभी एजुकेटेड टीचर हैं जो इसमें ऑलरेडी क्वालिफाई है पहले से। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि बताइए सीटेट की पैगा लगी है कैसे पढ़ाएगा, जो कि आईएएस पढ़ाने वाला पीसीएस नहीं पढ़ा सकता। मैं खुद आईएएस मेंस लिखा हूं, पीटी लिखा हूं, एमपीपीएससी मेंस इंटरव्यू दिया हूं, मुझे ये पता है ये एकदम अलग होता है, इससे अलग होता है, इससे जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये वाले ये कैसे पढ़ा देंगे, मतलब ये दुकानें शटर उठाना है, बड़ा सा बोर्ड लगा देते हैं हमारे टेट सीटेट की बैच प्रारंभ और हम आप भी जाते हैं दाखिला लेते हैं, हम ही आप लोग तो जाते हैं। इसीलिए मैं कोचिंग खोला नहीं, वरना मुझे कोचिंग खोलने की इच्छा ही नहीं थी कभी, मैंने शुरुआत इसी वजह से किया। जब मैं गया तो देखा बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था, तो जब हम गए तो हम कहे मैं टेट पढ़ना, कहीं यहीं पढ़िए, हमने कहा टेट, कहे हाँ, कहीं कौन, कहीं आइए साले पढ़ाते हैं, ये पीसीएस पढ़ाते हैं। हमने कहा कैसे ये गणित पढ़ा, कहे सस्ते में गणित पढ़ाते हैं, मैंने कहा कैसे ये पढ़ा लेंगे, कहे वही गणित तो यही होती है। मुझे लगा हाँ यार ये तो सही बात है, आँख में दर्द हो दर्द हो दर्द, हड्डी के डॉक्टर दिखाओ, सर के डॉक्टर दिखाओ, कान के डॉक्टर दिखाओ, दर्द हो दर्द, किसी की जिंदगी का सवाल है भैया, ये 3 महीना आपकी जिंदगी का करियर का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है, यह 2 महीना आपका भविष्य को तय कर देगा आपको करना क्या है, यही 2 महीना, आपने पूरी जिंदगी क्या कोई मतलब नहीं, लेकिन यह 2 महीना आपकी जिंदगी सबसे निर्णायक दिनों में से एक है। अगर आप टेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी की एक क्वार्टर फाइनल मैच क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनल मैच खेलना भी बाकी रह जाएगा, लेकिन अगर आप क्वार्टर से बाहर हो जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएंगे। अगर इस बार आप टेट क्वालिफाई नहीं हो पाए, कल्पना करिएगा खुदा ना खास्ता ऐसा आपके साथ हो, आपके पास 2 मौके टेट और सीटेट, तो अगली वैकेंसी आएगी 3 साल के बाद, तब तक 3 साल में आपके साथ अगर कोई चयनित हो जाएगा तो 1 साल का तनख्वाह 40,000 महीने की, साल की 5 लाख, 3 साल 15 लाख रुपए आपसे आगे रहेगा, टीएडीए प्रमोशन, उसके बाद 3 साल तक आप कंटिन्यू पढ़ते नहीं रहेंगे। कुछ लोग की शादी भी हो जाएगी, कुछ अपने घर हो जाएंगे, कुछ काम में व्यस्त हो जाएंगे, फिर टेट आएगा, फिर झूला लेके निकलेंगे पढ़ने, तो फिर पढ़ते रहेंगे निकलते रहेंगे, चयन नहीं होगा। मेरी बात का कोई बुरा ना मानेगा, मैं हकीकत ये कह रहा हूँ कि 2 महीना आपकी जिंदगी का सबसे निर्णायक महीनों में से एक है, बाकी आपके ऊपर है क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, संस्था का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, कहीं वो 10+2 वाले पढ़ाने वाले हैं कि उनके यहाँ BHU चलता है, क्या चलता है, मतलब टेट सीटेट पढ़ाते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही आपको, और रही बात 10% व्यर्थी तो अपने आप पढ़कर होते हैं जिनके पास खुद की प्रतिभा होती है, आप सिलेक्शन 90% कराओ तभी समझ में आता है कि आपके टीचरों में क्वालिटी है, 20% अपने आप से पढ़कर होते हैं, तो लोग 20% का फोटो लगाते हैं। अब आश्चर्य हुआ, मैं एंट्री कर रहा था कोचिंग से तो वापस जा रहा था, कुछ लोग पोस्टर लगाए हुए थे कि ये टेट क्वालिफाई हुए, आपको याद होगा, मुझे लगा मैंने कहा मेरे यहाँ से 12,500-13,000 लोग हुए, मैं कितना बैनर बनवाऊंगा, मुझे आश्चर्य हुआ, वहाँ जो गए थे उनके यहाँ 7-8 लोग का पोस्टर लगा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बताइए कि 7 लोग टेट पास हुए हैं, जैसे लग रहा है 7 लोग को नौकरी दिला दी है, पोस्टर लगाए, मेरा से 12,500-13,000 लोग जो जुड़े हुए जानते हैं, इतने लोग हमसे अध्यापक हुए हैं पढ़कर, हम लोग लगवाएंगे कई बैनर पट जाएगा। तो आप दारू की दुकान और पढ़ाने की क्वालिटी कहीं भी रखेंगे, लोग खोजते हुए पहुँच जाएंगे, जैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बैनर पोस्टर कुछ दिन तक लगा था, तो कल परसों शायद लगा है, इसके पहले कुछ नहीं लगा था, अब जौनपुर में तो लगा ही नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ दारू की दुकान और पढ़ाने क्वालिटी अगर आपके अंदर क्षमता है तो लोग खोज निकालेंगे आप किस बिल में है। अगर आप परिणाम बेहतर देते तब आप बेवकूफ़ कितनी बार लोगों को बताएंगे। इसी के साथ आज सब उब गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक याद कर लीजिएगा, ये जब तक याद नहीं करेंगे इतनी चीजें आपको गणित हमेशा कठिन लगेगी, और इतना याद करेंगे मेरी गारंटी है गणित में आप 25 हंसते हंसते कर कराएंगे। ज्योमेट्री ऐसा पढ़ाएंगे आप भी याद करेंगे कि ज्योमेट्री ऐसी भी होती है। अभी तक ज्योमेट्री का नाम सुना होगा, ज्योमेट्री कैसे होगा, कौन ओड़ होता है इधर उधर, लेकिन आपका एकदम डर खत्म हो जाएगा मैथ से, ये मेरी गारंटी। ज्योमेट्री क्वेश्चन अभी गलत नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए जोड़ घटाना गुणा भाग और जितना पढ़ रहे हैं ये आपको आना चाहिए। आप कह दीजिए जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आएगा तो फिर अब 300 में से 72 जाएगा कितना बचेगा, ये आपको नहीं अगर बता पाएंगे तो फिर गणित क्या सीखेंगे। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, इतनी चीजें आप तैयार करिए, और कक्षा 3, 4, 5 की गिनतारा ले लीजिए, इनकी गणित कमजोर है, कक्षा 3, 4, 5 की कलम किताब ला के दिखा देंगे आपको, गिनतारा किताब ले लीजिए, कुछ किताबों का हम नाम बताएंगे जो फ्री में मिलेगी, उस किताबों को एक बार पूरा पूरा पढ़ लीजिए, और अभी से आप अपने टाइम टेबल में 8 घंटे का जोड़ लीजिए, क्योंकि 4 घंटे मेरी ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, 4 घंटे ऑफलाइन क्लास लीजिए, 8 घंटे का डोज हम आपको ही देंगे, 8 घंटे की डोज, क्योंकि हमारे आप दाखिला लेंगे तो हम आपको ऑनलाइन क्लास से जोड़ देंगे, ताकि आपका समय घर पर खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय, किसी प्रकार समय आपका बर्बाद ना होने पाए। बेशक हाथ रोटी की जगह हाथ पड़ जाए तवे पर चलेगा।
जल जाएगा थोड़ा चलेगा, लेकिन एक बार आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो सोचिए जिंदगी कैसी होती है। 3 तारीख को आपके मोबाइल मैसेज आता है, योर अकाउंट बीन क्रेडिटेड हैड बीन 40,000 रुपीज ओनली। 3 तारीख को मैसेज आ जाएगा आपके अकाउंट में 40,000। तो 40,000 बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सुकूनता होती है और एक अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल होता है। जैसे अगर आपको 5 इंच की दीवार पे 500 फीट ऊपर दौड़ाया जाए, आप गिर कर तुरंत मर जाएंगे, लेकिन जमीन पे 5 इंच की दौड़ हो आप दौड़ लेंगे, क्योंकि आपको बगल नहीं दिखता इसलिए आपको भय। कल्पना, इतनी चौड़ी दीवार पर आपको अगर 500 मीटर ऊपर दौड़ाया जाए तो आप दौड़ पाएंगे, घेर के मर जाएंगे। लेकिन जमीन पर भी दौड़ना हो, पूरा प्लेन हो, आपका पैर बगल नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हौसला होना चाहिए। तो आपका जो तनख्वाह होती है वो आपकी हौसला होती है कि मुझे कुछ करना है। बेशक उस पैसे कोई यूज नहीं कर पाता, महिला बेचारी एकदम नहीं कर पाती, जो हकीकत है, कहाँ कर पाते हैं। हाँ नहीं तो जैसे हमने जो देखा है कि बेचारे वो पुरुष एटीएम कार्ड रखते हैं, जमीन खरीदना, ये खरीदना, वो लेना है, यहाँ लेना है, ये करना है, बच्चों को भेजना है वहाँ पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ काफ़ी अध्यापक हुए हैं ना, तो मैंने देखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। शेयर कर दीजिएगा ऑनलाइन क्लास नोट्स, और वाराणसी जनपद में भी आपका मोस्ट वेलकम है।